शिवपुरी में प्रेमी जोड़ा पहुंचा एसपी ऑफिस की सुरक्षा की मांग। युवती ने परिजनों पर लगाया जबरदस्ती शादी करने का आरोप। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां बुधवार को एक प्रेमी युगल ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सीहोर जिले के आष्टा तहसील के अरनिया राम गांव की रहने वाली एक युवती ने आज अपने बॉयफ्रेंड संग एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे, जिसके चलते वह घर से भाग आई। युवती ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अपने घर से आ गई हूं। मैं पूर्ण रूप से बालिग होकर भला बुरा समझती हूं और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हूं। मेरे माता पिता एवं परिवार के लोग मेरी आयु से अधिक वाले लड़के से विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ कराना चाहते थे। इस कारण मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर आ गई हूं। मुझे किसी भी व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर बरगलाया नहीं गया है। मैं अपना घर छोड़कर अपने मित्र के साथ शिवपुरी में निवास कर रही हूं। बॉयफ्रेंड संग पहुंची युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि मेरे माता पिता या परिवारजन या कुटुंबी जन मेरे एवं मेरे मित्र के विरुद्ध कोई रिपोर्ट या शिकायत की जाती है तो वह झूठी मानी जाए। कहाँ से आई हो? सीहोर। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? मेरी फैमिली वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे और मेरे से बड़े उम्र के लड़के से। अच्छा, शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं परिवार वाले? वो पता नहीं। अच्छा, तो आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं। क्यों? मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। पढ़ाई पूरी करना चाहते हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी 12th पास किया मैंने और आगे उन्होंने पढ़ने के लिए मना कर दिया था। तो आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपने जो भी सपने हैं वो अपने मेहनत से पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 20। अभी आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या अकेले आए हो कि फैमिली वालों के साथ कोई आया है क्या? नहीं, फ्रेंड के साथ आए। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको? नहीं। क्या चाहते हो आप? अपनी जिंदगी खुल के जीना।